किसी ने क्या खूब कहा है, कांटों पर चलने वाला व्यक्ति मंजिल तक जल्दी पहुंच जाता है क्योंकि कांटे पैरों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सतरंगी ज्ञान में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों का 9 फरवरी दिन मंगलवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीजों से सावधान रहना होगा और कन्या राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी बड़ी बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कन्या राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसे लेगा, उनका प्रेम संबंध कैसे रहेगा और उनका स्वास्थ्य कैसे रहेगा। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आय का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कन्या राशि है तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज मंगलवार है, बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय बजरंगबली महाराज जरूर लिखना, बजरंगबली महाराज आपकी सभी मनोकामना पूरी करेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक करें और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑल पर सेलेक्ट करें जिससे हमारी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं कि भूल कर भी ऐसे धन की ना करे कामना, होता है नुकसान। दोस्तों चाणक्य अपने नीति शास्त्र में बताते हैं कि किस प्रकार के कामों से धन की प्राप्ति की जा सकती है और कौन से काम धन प्राप्ति के लिए गलत है। आइए जानते हैं आय के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। दोस्तों धन पाने की इच्छा एक मनुष्य की होती है और इसके लिए वो कई बार गलत रास्ते का इस्तेमाल भी कर जाता है। ऐसे में चाणक्य ने धन प्राप्त करने से जुड़ी कई अन्य बातों को लेकर नीतियां बताई हैं। वो बताते हैं कि किस प्रकार के कामों से धन की प्राप्ति की जा सकती है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि जो धन दूसरों को हानि और पीड़ा पहुंचाकर धर्म के विरुद्ध कार्य करके शत्रु के सामने गिड़गिड़ाकर प्राप्त हो, वह धन मुझे नहीं चाहिए। ऐसा धन मेरे पास ना हो तो अच्छा ही है। आचार्य चाणक्य का कहने का मतलब है कि मनुष्य को ऐसे धन की कामना नहीं करनी चाहिए जो दूसरों को हानि पहुंचाकर एकत्रित किया गया हो। धर्म विरुद्ध कार्य करके और दुश्मन के सामने हाथ जोड़कर प्राप्त किया हुआ धन अकल्याणकारी और अपमान देने वाला होता है। मनुष्य को ऐसा धन प्राप्त करने की चेष्टा कभी नहीं करनी चाहिए, उसे सदैव परिश्रम और अच्छे उपायों से धन का संग्रह करना चाहिए। और दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि ऐसे धन का भी कोई लाभ नहीं जो कुल वधु के सामान केवल एक ही मनुष्य के लिए उपभोग की वस्तु हो। धन संपत्ति तो वही श्रेष्ठ है जिसका लाभ राह चलते लोग भी उठाते हैं, अर्थात धन संपत्ति वही श्रेष्ठ है जो अन्य लोग के भी काम आती है। उत्तम धन वही है जो परोपकार के काम लगाया जाता है। जिस धन को कोई एक व्यक्ति समेट कर बैठ जाता है ना तो उसे उपयोगी माना जाता है और ना ही उससे किसी का लाभ होता है। समाज कल्याण के उपयोग में लगाया गया धन ही श्रेष्ठ धन है। धन की गति कभी रुकनी नहीं चाहिए। दोस्तों आय का चाणक्य नीति ज्ञान आपको पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो दोस्तों हमेशा की तरह एक लाइक जरूर करना। दोस्तों अब बात करते हैं दोस्तों आय के पंचांग के बारे में। आय का पंचांग है 9 फरवरी 2021 दिन मंगलवार। आय की तिथि है त्रयोदशी तिथि। आय का नक्षत्र है पूर्व आषाढ़ नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। ऋतु चल रहा है शिशिर ऋतु। आज सूर्योदय होगा 7:04 पर। सूर्यास्त होगा 6:06 पर। दोस्तों आय का शुभ समय है 12:13 से 12:57 तक रहेगा और आय का अशुभ समय है 9:17 से 10:01 तक रहेगा। दोस्तों आय कन्या राशि वालों का लक्की नंबर है 7। अब बात करते हैं दोस्तों आय की कन्या राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आय का दिन, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले आज आप बच्चों के साथ आप सुकून पाएंगे। बच्चों की ये क्षमता कुदरती है और न केवल आपके परिवार के बच्चों में बल्कि हर बच्चे में ये गुण होता है। वे आपको सुकून और राहत दे सकते हैं। माता पिता की मदद से आप आर्थिक तंगी से बाहर निकलने में कामयाब रहेंगे। कुल मिलाकर फायदेमंद दिन है, लेकिन आप समझते थे जिस पर आप आंख बंद करके यकीन कर सकते हैं वह आपके भरोसे को तोड़ सकता है। आज आप हर तरफ प्यार ही प्यार फैलाएंगे। आपके लिए आज बहुत ही सक्रिय और लोगों से मेलजोल भरा दिन रहेगा। लोग आपसे आपकी राय मांगेंगे और जो भी आप कहेंगे उसे बिना सोचे मान लेंगे। आज आप ऑफिस से घर वापस आकर अपना पसंदीदा काम कर सकते हैं, इससे आपके मन की शांति मिलेगी। आज आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बेहतरीन पल गुजार सकेंगे। आज धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में खुशनुमा समय व्यतीत होगा तथा ये संपर्क आपके लिए फायदेमंद भी साबित होंगे। अचानक कोई महत्वपूर्ण सुखद समाचार मिल सकता है जिससे आप अपने आपको मानसिक और भावात्मक रूप से सशक्त महसूस करेंगे। ध्यान रखें कि क्रोध और जल्दबाजी में निर्णय गलत हो सकता है। घर के अनुभवी व्यक्तियों की सलाह व मार्गदर्शन आप अमल करना उचित रहेगा। बेहतर होगा कि अपने ही काम से मतलब रखें, दूसरों की फिजूल बातों पर नजर ना दें। व्यवसाय में प्रोडक्शन संबंधी गतिविधियों में काम आ सकती है। इस समय अपनी व्यावसायिक नीतियों में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। टैक्स संबंधी किसी भी काम को टालने की अपेक्षा उसे पूरा करने का प्रयास करें। पारिवारिक तथा व्यावसायिक जीवन में सामंजस्य बनाकर अपना रखना। घर की व्यवस्था खुशनुमा व सुखद रहेगा। प्रेम संबंधों में समय बर्बाद ना करें। स्त्रियां अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष रूप से जागरूक रहें। किसी प्रकार की इन्फेक्शन की आशंका बन रही है। अपनी वाणी को लेकर आज सावधान रहें। आपके शब्द परिवार के बड़े बूढ़े सदस्यों को बहुत ज्यादा कष्ट पहुंचा सकते हैं। आप किसी ऐसे व्यक्ति की ओर से आकर्षित हो जाएंगे जिसके शौक इच्छाएं अभिलाषाएं आपके अनुरूप हों। छोटे मोटे उपहार के साथ प्यार के दो शब्द आपके वैवाहिक जीवन में रोमांस
वापस ले आएंगे। आपको अपने पैसे में सफलता प्रताप प्राप्त होगी। कारोबार में लाभदायक अक्सर प्राप्त होंगे। नौकरी व व्यक्तियों को उनके उच्च अधिकारियों उनके अच्छे काम के लिए उन्हें पुरस्कार मिलेंगे। एक अच्छा बोनस भी संभावित है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। तनाव और कोलाहल के एक लंबा दौर के बाद आप ऊर्जावान अनुभव करेंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप तरोताजा और प्रसन्न महसूस करेंगे। अपने स्वास्थ्य और फिटनेस प्रणाली में पूर्ण परिवर्तन लाने के लिए आज का दिन सबसे अच्छा और अनुकूल है। आप जिस व्यक्ति की तरफ आकर्षित हैं, आए उसके समक्ष अपनी भावनाओं और जज्बातों को स्पष्ट रूप से खुले तौर पर व्यक्त करने का उपयुक्त दिन है। यात्रा करने के लिए समय अनुकूल है। यात्रा के उद्देश्य फलीभूत रहेंगे। आज आप भाग्यशाली रहेंगे। आप जिस चीज को पाने की कोशिश करेंगे उसे हासिल करने में सफल हो जाएंगे। आज आपका यात्रा करने के लिए अच्छा दिन है। प्रतिस्पर्धियों के साथ वाद विवाद ना करें। आपकी शांतिपूर्ण मन स्थिति में औरों के सवालों से बाधा पहुंचाएगी। वे सब ये जानने के लिए बड़े उत्सुक हैं कि आपकी निजी और व्यावसायिक जिंदगी में क्या चल रहा है। आज के दिन अपने जीवन की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करने और अपनी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर बांटने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। बौद्धिक क्षेत्र से लाभ होगा। समय की अनुकूलता लाभ देने में समर्थ होगी। इस दिन संतान की तरफ से कोई सुखद समाचार मिलेगा। घर के कामों में परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। जमीन जायदाद के खरीदने का उत्तम समय है। आजीविका के साधन में परिश्रम का पूरा परिणाम मिलेगा। व्यावसायिक संबंधी में मनोबल बढ़ेगा। प्रेम संबंधों को समय देने की कोशिश करें। आए जंक फूड खाने से आपको बचना चाहिए। कारोबार बढ़ाने के लिए आपको कुछ खास लोगों से मदद मिल सकती है। आपको उधार दिए गए पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी की आलोचना या उसके साथ किसी भी तरह की रणनीति करने से बचें, क्योंकि ऐसा करने से आपके व्यक्तिगत संबंध प्रभावित हो सकते हैं। अगर आप अपने प्रेमी के साथ विवाह करने का मन बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए शुभ रहेगा। योगा व ध्यान के द्वारा आप अधिकांश शारीरिक समस्याएं छुटकारा पा सकते हैं। नौकरी पैसा लोगों के सामने अचानक कुछ अनचाही स्थितियां भी बन सकती हैं। कुछ मामलों में अधिकारियों से मदद मिलने के योग बन रहे हैं। एक्स्ट्रा इनकम की कोशिश भी आप करेंगे। बिजनेस से उधारी से बचने की कोशिश करें। लोगों को ज्यादा पैसा उधार देने से भी बचें। करियर को लेकर नए प्रयास कर सकते हैं। आय और व्यय में उचित समन्वय बना पाएंगे। फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोगों को अच्छे ब्रेक मिल सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेगी। अति आत्मविश्वास के कारण काम बिगड़ सकते हैं। आज आपका गुस्सा बढ़ेगा, इसलिए आप सोच समझ कर बोलें। आज आपके घर में ही वाद विवाद का माहौल बन सकता है, जिसके कारण आपकी सेहत खराब हो सकती है और आपकी भावना पर भी चोट लग सकती है। बढ़ाना आज स्वाभाविक है। आज कोई प्रसन्नतादायक घटना घटित होगी। परिवार से जुड़ी किसी समस्या का भी शीघ्रता से निराकरण होगा। ग्रह स्थितियां सुखद है, ऐसे अवसर का भरपूर लाभ उठाएं। रुका हुआ उधार दिया हुआ पैसा भी वसूल हो जाएगा। युवा वर्ग अपने लक्ष्य की प्राप्ति को लेकर चिंतित रह सकते हैं। अगर यात्रा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो अपना सामान संभाल कर रखें। वाहन के रखरखाव में अधिक खर्चा हो सकता है। ननिहाल पक्ष से किसी प्रकार की अनबन की स्थिति बन रही है। कामकाज के नए अवसर उपलब्ध होंगे। कोई शुभ घटना भी घटित हो सकती है। इस समय सोच समझ कर किया गया कोई व्यवसायिक निवेश आगे चलकर आपको निश्चित ही लाभ देगा, परंतु कुछ महत्वपूर्ण फैसले गलत हो सकते हैं, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना भी उचित रहेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करेंगे, जिससे घर की व्यवस्था भी उचित बनी रहेगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच में गलतफहमी की वजह से झगड़ा हो सकता है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। कुछ कमजोरी और थकान की स्थिति बन सकती है। यदि आपके पारिवारिक जीवन पर नजर दौड़ाई जाए तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये दिन आपके लिए खुशखबरी लेकर आएगा। आपके परिवार में किसी संतान का जन्म होने से कोई नन्ना मुन्ना मेहमान घर में आ सकता है, या फिर किसी विवाह योग्य युवक युवती का विवाह होने से घर में खुशियां लौट आएंगी। परिवार में रिश्तेदारों का आना जाना लगा रहेगा और परिवार उत्साह का माहौल बना रहेगा, जिससे घर में सुख शांति बढ़ेगी और लोगों के मन में उमंगे जागेंगी। आपके छोटे भाई बहनों के प्रति आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि उनको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये था आएगा कन्या राशि वालों का राशिफल। दोस्तों, आए मंगलवार बजरंगबली महाराज का दिन है। दोस्तों, घर में रहकर अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली महाराज की पूजा आराधना करते हैं तो बजरंगबली महाराज आपकी जरूर सुनेंगे और आपके सभी कष्ट दूर करेंगे। दोस्तों, वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके